जैसा कि आप लोगों को नॉर्मल सिनेमा हॉल में मिलता है, यहाँ पे थिएटर नंबर 1 है। ये थिएटर 1 से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे को तो। लोग चाहते हैं कि बर्थडे के लिए ये सिनेमा हॉल बुक करना। चलिए हम लोग थिएटर 2 की तरफ चलते हैं। बहुत कोई मतलब ये स्क्रीन के बारे में बुराई करता है, तो यहाँ का कैसा स्क्रीन है कुछ बता सकते? VIP का सीट है, वही लॉन्जर सीट है। और न्यू मूवी रिलीज होने वाला सर्कस, जो कि आपको कल 9:45 में स्क्रीन पे मिल जाएगा, गेट मिल जाता है। और आगे भी बहुत सारे गेट्स हैं हर जगह पे, तो आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग JD मॉल के बेसमेंट पे, और अभी हम लोग लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं 4th फ्लोर पे। जैसा कि आप लोगों को बताएं कि 4th फ्लोर पे सिनेमा हॉल खुलने वाला है। हम लोग JD मॉल के 4th फ्लोर पे आ चुके हैं, जैसा कि हम लोग लिफ्ट से आए अभी। और ठीक राइट साइड हम लोग के यहाँ पे सिनेमा हॉल, जैसा कि आप लोगों को पता है, खुलने वाला है। तो आइए आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। सबसे पहले अभी फिलहाल ये कंस्ट्रक्शन में है, तो यहाँ पे एंट्री लेना पड़ता है आप लोगों को, और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक और गेट मिल जाता है, और आगे भी बहुत सारे गेट्स हैं हर जगह पे। तो आइए अंदर चलते हैं और देख लीजिए, यहाँ पे JD मॉल पटना वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है और बैलून सब लगा हुआ है। बहुत जल्दी ही खुलने वाला है, सारा कुछ प्रोसेस में है। चलिए अंदर जाते हैं और इस सिनेमा हॉल के बारे में अच्छे से जानते हैं और आप लोग को बताते हैं। साइड भी काम चल रहा है, जैसा कि आप लोग को बताया था कि हम लोग का बात ऑनर से हुआ है। और अभी JD मॉल में जितना भी शॉप्स जो भी खुलने वाला है, सारा कुछ का वीडियो हम आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो जैसे अभी हम लोग एंटर करते हैं, राइट साइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ मील्स, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। थिएटर में आप लोग मूवी देखते देखते भूख लग जाता है। और ठीक मेरे राइट साइड भी देख सकते हैं इधर, और ठीक मेरे लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स ऑफिस है टिकट्स वगैरह के लिए। एंड जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को 2 स्क्रीन मिलेंगे, जैसा कि देख सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन यहाँ पे है एंड सेकेंड स्क्रीन इस तरफ है। तो अभी हम लोग जानेंगे एक भैया से अंदर का क्या क्या है। एंड यहाँ पे ड्रिंक्स मिल जाते हैं, पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, यहाँ बहुत सारे मील्स है देख सकते हैं। सारा सब कुछ अभी कंस्ट्रक्शन में है, सबको लगे हुए हैं प्रोसेस में सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग एक भैया जुड़े हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? सौरभ कुमार। तो यहाँ हम लोग को हेल्प करेंगे यहाँ के बारे में बताने के लिए। तो भैया थोड़ा एक्सप्लेन से अच्छा से बताइएगा कि ये जो सिनेमा हॉल है इसके बारे में सब कुछ। देखिए यहाँ पे 2 ऑडिटोरियम है हम लोग का, ठीक है, जो कि एक ऑडिटोरियम ये हो गया, एक उधर हो गया। ये ऑडिटोरियम 1 है, यहाँ पे 24 सीट्स है, ठीक है, और उस ऑडिटोरियम में आपका 54 सीट्स है, सीट है। और ये जो आगे का सीट है इसको लॉन्जर सीट बोलते हैं, ठीक है। और जो पीछे का जितना भी सीट हुआ, जो फ्रंट का सीट छोड़ के जो भी पीछे का हो गया बैक का, उसको मिलर सीट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ स्क्रीन है देख सकते हैं, और बाहर में एक कंसेशन बॉक्स है, यहाँ से स्नैक्स वगैरह वगैरह जुड़ा सारा चीज़ रिलेटेड मिलेगा, ओनली फॉर सिर्फ वेजिटेरियन ही, ठीक है। हाँ, उसके बाद बॉक्स ऑफिस में आप टिकट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ कैश भी है, ऑनलाइन में भी आपको कैश भी है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऐसा चीज़ है कि सारा चीज़ आपको क्लीन मिलेगा A to Z। और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ है ना, छोटी से छोटी चीज़ों को यहाँ बारीक बारीक से देख करके मतलब कि सारा चीज़ किया जाता है। कितनी तारीख ओपन हो गई? ओपनिंग तो ऐसे मेरा 23-21 को हो गया, ठीक है। कल एक न्यू मूवी आ रहा है सर्कस, ठीक है, तो न्यू मूवी आ रहा है सर्कस, तो सर्कस कल मेरे हॉल में लगने वाला है। आपको टाइमिंग है 9:30 से, 9:30 से आपको लगने वाला है ऑडिटोरियम 1 में, और ऑडिटोरियम 2 में 9:45 से मूवी लगने वाली है। और दोनों ऑडिटोरियम में 6 मूवी चलने वाली हैं, यानी रात के 12:30 और 12:45 तक, ठीक है, दोनों ऑडिटोरियम में। यहाँ पे कुछ VIP का सीट्स भी है क्या? VIP का सीट है, वही लॉन्जर सीट है, मतलब इसका प्राइस अलग अलग रहेगा। हाँ, लॉन्जर सीट है, तो बता दो। बाकी का मिरर सीट है, लॉन्जर सीट का तो अभी प्राइस टिकट पे देखना पड़ेगा, बट आगे बैठेंगे जिनका ज़्यादा लगेगा। हाँ, सीट्स आपने तो देखा है, सीट से सारा चीज़ से भी लेकर सीट्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, यहाँ का स्पीकर हो गया, और यहाँ का जो भी एडजस्ट क्वालिटी हो गया, मतलब प्रोजेक्टर का, वो सारा चीज़ है ना, जो कि सारा इस बारीक तरह से लगाया हुआ कि कोई बोल ही नहीं सकता कि मतलब क्या है एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब अच्छा है, मतलब सबसे बेटर है। और ये तो मेरे बोलने से क्या होता है, ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर, हाँ, एक्सपीरियंस करेंगे अपना, कस्टमर आएंगे वो लोग देखेंगे अपना क्या है क्या नहीं है। और बहुत कोई मतलब ये स्क्रीन के बारे में बुराई करता है, तो यहाँ का कैसा स्क्रीन है कुछ बता सकते हो? स्क्रीन का यहाँ जो भी है, तो मतलब सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो सारा दम क्लियरली, और जो भी होता है तो जैसे बोलते 3D, हाँ, तो अगर प्रोजेक्टर भी यहाँ चलता है तो आप देखिएगा उसमें कि किसी किसी का मतलब कहीं कहीं से आवाज़ का ये प्रॉब्लम होता है, किसी को इसमें मतलब इसिंग टाइप का होने लगता है, किसी को साउंड से मतलब इफेक्ट पड़ने लगता है, लेकिन वहाँ यहाँ सारा चीज़ स्मार्ट है, किसी चीज़ से आपको साउंड से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, प्रोजेक्टर देख रहे हैं तो आँख नहीं दर्द करने वाला है, सारा चीज़ है जो कि बारीकी तरह से, और एक एक चीज़ है जो कॉस्टली लगा हुआ है। मतलब पटना के ऑडियंस खुश रहेंगे यहाँ का? हाँ, खुश, दम बिल्कुल खुश। यहाँ पे आपको टिकट के लिए हमको लगता है 10 दिन 8 दिन या 1 महीना पहले ही अगर कोई न्यू मूवी आता है तो बुकिंग करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हम लोग का ही कल बुकिंग हो गया सारा चीज़।
टिकट बुक हो गया, कल ओपनिंग था 21 को, 21 का ही मतलब कि बुकिंग हो चुका है सर्कस मूवी देखने के लिए, सारा बुक फिल हो, जो फर्स्ट शो चलेगा सारा टिकट फुल। बुक माई शो सब पे आ चुका है क्या? हाँ, क्या नाम उसका? आप ये बॉक्स ऑफिस से काउंटर से ये ले सकते हैं डिटेल। और न्यू मूवी रिलीज होने वाला सर्कस, जो कि आपको कल 9:45 में स्क्रीन पे मिल जाएगी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो भैया कुछ टिकट प्राइसेस के बारे में बताइए। देखिए, जो अभी आपका VIP सीट है, जिसको हम लोग लॉन्जर सीट बोलते हैं, उसका 320 प्राइस है, ठीक है। और जो मिरर सीट है, जो कि बैक साइड में होता है, उसका अभी यहाँ पे 280 है प्राइस रेट, ठीक है। मूवी के हिसाब से बढ़ते रहेगा प्राइस, घटते रहेगा कि सेम है? मूवी के हिसाब से तो मूवी पे डिपेंड करता है कि मूवी कैसा लगा है, कितने का मूवी है। तो इसमें से तो भाई मूवी के हिसाब से तो बढ़ना घटना तो है ही, बात ही बात है, वो तो मूवी पे डिपेंड करता है। ऐसे तो जो है अभी का रेट यही है। ये ऑडिटोरियम 1 है, यहाँ पे 76 सीट्स है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बर्थडे के लिए ये सिनेमा हॉल बुक करना, तो आप लोग कर सकते हैं। ये सिनेमा हॉल आप बर्थडे में भी बुक होने वाला है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर दीजिएगा मेरे वीडियोस पे, हम आपको बता देंगे सब कुछ। बाकी आप यहाँ पे आके बात भी कर सकते हैं। एंड आप लोग को बता दें, ये सीट्स देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप लोग को एक प्राइवेसी मिल जाता है। एंड आप लोग अगर स्नैक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे मतलब जब मूवी चलेगा उसके बीच में भी आप लोग स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा आप लोग का सीट्स पे। और हर 45 मिनट बाद ये जो सीट्स होता है, गंदा रहता है, वो सब बिल्कुल यहाँ आप लोग को नहीं मिलने वाला है, सारा साफ होते रहेगा हर 45 मिनट पे। क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा केयर भी किया जाएगा यहाँ पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजा बरानी में भी एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स खुला है, यहाँ पे थिएटर नंबर 1 है। और आइए अंदर का दिखाते हैं इंटीरियर की कैसे। यहाँ पे पल्स के स्पीकर्स हैं। जैसा कि अभी शुरू ही हुआ है, नया नया बना ही है सिनेमा हॉल, तो यहाँ पे पॉपकॉर्न्स के टब्स रखे गए हैं। यहाँ पे मेंस और वुमेन्स वॉशरूम देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे मेंस का और यहाँ पे वुमेन्स का है। यहाँ पे हर तरह का पानी मिल जाएगा आप लोगों को, हॉट, नॉर्मल, कोल्ड। और देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन बनाया गया है इसको, और पूरा साफ सुथरा का ध्यान रखा गया है। चलिए हम लोग थिएटर 2 की तरफ चलते हैं। इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे LED TV है, यहाँ पे जो भी शो लगेगा वो यहाँ पे शो होते रहेगा। और हम लोग बढ़ते हैं थिएटर 2 की तरफ। आइए, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे थिएटर 2 है, तो इसी के अंदर जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि इसका अंदर क्या है। ये देख लीजिएगा, ये थिएटर 1 से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा है। सो कम ऑन, जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, एंड वहाँ से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये। मतलब मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट्स है, और ये सीट्स जो है ना गाइस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसा कि आप लोग को नॉर्मल सिनेमा हॉल में मिलता है। मतलब प्राइस कुछ ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत मतलब रीजनेबल है। और ये देख सकते हैं कितना कम्फर्टेबल है। ये जो थिएटर 2 में अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे 54 सीट्स है, और इसको भी आप लोग बर्थडे के लिए बुक कर सकते हैं पूरे 3 घंटे के लिए। और ये पूरा हॉल आप बुक कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग का स्पेशल केयर किया जाएगा। अगर आप लोग को कोई स्नैक्स चाहिए या जो भी चाहिए, सब कुछ का केयर किया जाएगा यहाँ पे, और साफ़ सुथरा तो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। ओके, सो तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लाइक का बटन जरूर दबा दें, अपने थॉट्स को कमेंट करें। थैंक यू।